Um, समझ जल्दी पा रहे हैं नाव वी आर एड्रेसिंग दैम वी नो अट द इश्यूज़ पहले तो हमें पता ही नहीं था तो यू you नो know, मामला किसी ना किसी तरीके से चलता रहता था दूसरा

ना चिल्ड्रेन आर एक्सपोज टू द न्यूज ऑफ द वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली ट्वेंटी फोर सेवन फ्राम मल्टीपल 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 चैनल्स राइट सो जो भी दुनिया में हो रहा है कम हो रहा है जो हम हम जिस टाइम से गुजर रहे थे वर्ल्ड वॉर वन टू वी नो और वियतना दस हज़ार चीज़ें हो रही थी अब हमारी अपनी, अपनी अफगान वॉर हमारे अपना सब कुछ हो रहा welcome. था बट हमारे पास उस उस चीज़ का एक्सपोजर इतना नहीं था इट वॉज नॉट कमिंग टू अस नाओ सडनली दीज चिल्ड्रेन जो आईक्यू उनका माशाल्लाह अच्छा है लेकिन जो इमोशनल मेच्योरिटी तो एक चौदह साल की है पंद्रह साल की है सोलह साल के हिसाब से है बट उनको जो है क्लाइमेट चेंज के बारे में भी सब पता चल, चल, चल रहा है कि हमारी दुनिया ख़त्म हो रही है और ये सब हो रहा है उनको ब्लैक लाइव मैटर का भी पता चल रहा है उनको जेंडर एक्विटी के भी इशूज़ के बारे में यूक्रेन वॉर का भी पता है सो एकदम से ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़राब है राइट right? और हर right. तरफ मायूसी ही मायूसी है एंड इंटेलेक्चुअली दे अंडरस्टैंड इट बट इमोशनली दे कॉन्ट हैंडल इट राइट एंड वी डोंट टीच देम हाउ टू इमोशनली वी डोंट हैव कॉन्वर्सेशन कम्युनिकेशन तो हमारा जिल्च है right. तो अगर हम ये टेंशन में हैं कि बच्चे हमारा सोशल मीडिया बहुत देख रहे हैं तो एक तो सवाल ये भी पूछने का है ना कि हम क्या उनसे बात नहीं कर रहे हैं हम क्या उनके साथ वक्त नहीं गुजार रहे हैं और अगर वो सोशल मीडिया पे कुछ देख रहे हैं तो हम उनको ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं हम उनसे mm. पूछ क्यों नहीं रहे कि आप सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं इफ योर चिल्ड्रन आर प्लेइंग गेम्स गेमिंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा तो हमें हम से कितने पेरेंट्स mm. कहते हैं बताओ तुम क्या गेम खेल रहे हो हमें भी सिखाओ राइट सो दैट यू नो यू वर्किंग विद एंड देर स्टिल लर्निंग टू स्पेंड टाइम विद यू विच इज कैड एंड वी आर दिस इज रियली जस्ट स्टॉप विच इज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज इट्स वर्ल्ड राइट राइट